तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। इसमें क्या कहा जा रहा है कि इसमें कहा जा रहा है कि थ्री आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं ज्वाइंड बाय ए थ्रेड एंड सोनी फिगर। ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग इन हॉरिजेंटल प्लेन। इफ द स्पीड ऑफ द आउटर मोस्ट पार्टिकल इज वी नॉट, देन द रेशियो ऑफ टेंशन इन थ्री सेक्शन। देखो, अगर तुम यहाँ से देखोगे तो तीन पार्टिकल हैं। पार्टिकल ए यहाँ पर है, पार्टिकल बी यहाँ पर है और पार्टिकल सी यहाँ पर है, ठीक है ना। तो इनका लीनियर स्पीड अलग अलग होगा, क्योंकि आउटर स्पीड अगर वी नॉट है, लीनियर स्पीड अलग अलग होगा। ये सेंटर मान के घूम रहे हैं, लेकिन टी टाइम बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनका देखोगे, ऐसे ये सर्कल में चल रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ये वाला सर्कल में ऐसे चलेगा और ये वाला सर्कल में ऐसे चलेगा। तो टी टाइम बाद अगर एंगुलर स्पीड देखोगे तो एंगुलर स्पीड ओमेगा तो सेम होगा ना, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी जो होती है एक समय में, अगर तीनों देखोगे तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा सेम है। तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ओमेगा इन तीनों पार्टिकल का सेम होगा। तो मैं लीनियर स्पीड का ना यूज करके मैं बच्चों ओमेगा का यूज करूँगा, ठीक है ना। तो ये तो सबसे पहले मैं पार्टिकल ए बी और फिर सी तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ और मैं सेंट्रीपिटल से करता हूँ। सब कुछ मैं ग्राउंड से देख रहा हूँ, इनर्शियल फ्रेम से देख रहा हूँ। तो सबसे पहले सी का अगर देखोगे तो सी वाले पे अगर तुम देखोगे देन रेशियो ऑफ टेंशन इन थ्री सेगमेंट। तो तीनों सेगमेंट में जो है टेंशन की रेशियो निकालनी है। तो इसको मैं टी वन मान लेता हूँ, ये मैं टी टू मान लेता हूँ, इसको मैं टी थ्री मान लेता हूँ। तो जो सी वाला पार्टिकल है हॉरिजेंटल टेबल पे है सब कुछ, तो इस पर सेंटर की तरफ एक ही फोर्स आ रहा है टी थ्री। तो टी थ्री ही इसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है मास एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो मास ऑफ द बॉडी तीनों का आइडेंटिकल, लेंथ यहाँ थ्री एल आ जाएगा रेडियस, और ये ओमेगा इन तीनों का सेम होगा। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, ये अपना आ जाएगा। तो कुल मिला के अब बी वाले पार्टिकल की देखो, तो बी वाले पे सोचोगे तो बी वाले का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे ये बी वाला, तो टी टू तो टेंशन इधर लगेगा, टी टू इधर लगेगा, लेकिन ये इसी स्ट्रिंग से भी तो कनेक्ट है, टी थ्री इधर लगेगा, लेकिन सेंटर की तरफ नेट सेंट्रीपिटल फोर्स टी टू ज़्यादा होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको कहाँ से मिलेगा, तो सेंट्रीपिटल नेट फोर्स रियल फोर्स टुवर्ड द सेंटर होता है यार। तो नेट रियल फोर्स टुवर्ड द सेंटर इस केस में क्या बनेगा, तो इस केस में तुम देखोगे नेट रियल फोर्स टुवर्ड द सेंटर, तो यहाँ से टी टू माइनस टी थ्री दैट इज यहाँ से मास ऑफ द बॉडी और यहाँ रेडियस लेंथ टू एल और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से टी टू की जो वैल्यू आ जाएगी वो टी थ्री प्लस टू एम एल ओमेगा स्क्वायर। तो टी थ्री ऊपर थ्री है, तो यहाँ से थ्री एम एल ओमेगा स्क्वायर और प्लस टू एम एल ओमेगा स्क्वायर, तो कुल मिला के ए आ जाएगा फाइव एम एल ओमेगा स्क्वायर। तो दैट इज़ द टी टू। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर टू। अब रहा बात हमारा टी वन का, तो टी वन जो है टी वन का अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे तो चलो टी वन का देखते हैं कि टी वन पे कुल कितना फोर्स लग रहा है वो। तो टी वन का अगर देखोगे तो ये ध्यान रखना, ये एल है, ये एल है, तो ये एल है, पूरा थ्री एल हो गया। तो टी वन पे टी वन इधर लगेगा और टी टू इधर लगेगा यार, टी टू इधर लगेगा, लेकिन टी वन ज़्यादा होगा तभी तो सेंटीमीटर फोर्स मिलेगा। तो टी वन माइनस टी टू इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी रेडियस एम एल ओमेगा स्क्वायर यहाँ से। तो टी वन की जो वैल्यू आ जाएगी वो टी टू प्लस एम एल ओमेगा स्क्वायर, और टी टू पहले से ही निकाले हो फाइव एल ओमेगा स्क्वायर और यहाँ से एम एल ओमेगा स्क्वायर, कुल मिला के यहाँ से सिक्स एम एल ओमेगा स्क्वायर, दैट इज़ द टी वन, दैट इक्वेशन नंबर थर्ड। तो यहाँ से तुम देखोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड और टी वन टी टू को रेशियो लोगे तो टी वन रेशियो टी टू रेशियो टी थ्री रेशियो कितना आ जाएगा भाई, टी वन की वैल्यू सिक्स रेशियो फाइव रेशियो यहाँ से थ्री। तो दिस इज द रेशियो ऑफ द ये सिक्स रेशियो फाइव, सिक्स रेशियो फाइव अगर उधर से देखोगे तो थ्री रेशियो फाइव रेशियो सिक्स, थ्री रेशियो फाइव रेशियो सिक्स, मतलब अपना डी ऑप्शन सही मैच कर जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।